भी सेवी करने वाले रोज़ेदार हैं उन सब के लिए अच्छा खासा इंतज़ाम कर रखा है यहाँ पे ख्वाजा कायनात के खुद्दाम साहब कैसे रोज़ेदारों की खिदमत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। फजर की नमाज़ पढ़कर निकलेंगे हम घर की तरफ। और ये देखिए सुबह के वक्त भी 4:30 का, ये देखिए सामने दस्तरखान बिछा पूरा माशाल्लाह, कितनी ज़्यादा भीड़ और कितनी ज़्यादा रौनक और ये दस्तरखान माशाल्लाह माशाल्लाह। ये शाहजहाँ मस्जिद का है, जैसे हम कल भी यही रोज़ा खोला था हमने। चारों तरफ तैयारी हो रही है मेरे। वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आया हूँ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक पे और सुबह के लगभग 3 बज रहे और यहाँ पे हम आए हैं सेहरी करने के लिए। माशाल्लाह काफी दिनों से मन कर रहा था कि दरगाह मुबारक में जाके सेहरी करें अपन, तो अभी हम सेहरी करने के लिए आए हुए और आपको यहाँ का नजारा दिखाएंगे की सुबह सेहरी के वक्त ख्वाजा गई नवाज की दरगाह मुबारक में कैसा मंजर रहता है, कैसी रौनक रहती है सेहरी के वक्त। और माशाल्लाह दरगाह के हर कोने कोने में आपको सेहरी होते हुए मिल जाएगी। जो भी शख्स यहाँ पे आता है सेहरी करने के लिए बिना सेहरी करे बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे ख्वाजा गई नवाज के सारे खुद्दाम मिलकर अपनी अलग अलग हुजरे में गद्दी में और अलग अलग जगह पर वो सेहरी मुबारक करवाते हैं सबको रोजेदारों को और माशाल्लाह सब सेहरी कर जाते हैं यहाँ। तो वीडियो में पूरी जरूर बने रहेगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मैं आपको पूरी सेहरी की जानकारी दूंगा। माशाल्लाह देखिए सेहरी का वक्त हो रहा और ये देखिए सेहरी यहाँ पर हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने भी सेहरी करने वाले रोजेदार हैं उन सब के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर रखा है यहाँ पे सेहरी का। सुभान अल्लाह। सब जने सेहरी कर रहे हैं ख्वाजा गई नवाज की दरगाह मुबारक में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए यहाँ पे बर्तन धुले जा रहे हैं कंटिन्यू, जैसे खा रहे खाते ही बर्तन धो रहे। और ये देखिए यहाँ पे कढ़ी है और चावल है माशाल्लाह सुबह सेहरी के लिए। सुभान अल्लाह। ये देखिए ये दोस्त यार बैठे हुए सद्दाम टीपू शाहरुख, ये भी हमारे साथ में आए हुए सेहरी करने के लिए। सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है सुबह सुबह का ख्वाजा गई नवाज की दरगाह मुबारक पे सेहरी का। और ये यहाँ पे लेडीज़ से कर रही है, यहाँ पे जेंट्स का मतलब दोनों का अलग अलग कर रखा है, यहाँ पे जेंट्स का सेहरी करने का और यहाँ पे लेडीज़ों का। देख सुभान अल्लाह सबका अलग अलग इंतज़ाम कर रखा है यहाँ पे भाईजान ने। ठीक है अल्तमश भाईजान अभी सबको सेहरी बांटेंगे। सुभान अल्लाह। ये देखिए सब रोज़दार हैं यहाँ पे जो सेहरी के लिए इंतज़ार कर रहे थे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह ख्वाजा गई नवाज के खुद्दाम साहब कैसे रोज़ेदारों की खिदमत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अभी हम इनों से मुलाकात करेंगे और इनसे जानकारी लेंगे पूरी कि कितने वक्त से करते हुए आ रहे रोज़ेदारों के लिए खिदमत, तो कितने वक्त से सेहरी बनाते हुए और बांटते हुए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुबह का मंजर कुछ इस तरह का ही रहता है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक में। हर जगह दरगाह मुबारक में अलग अलग खुद्दाम साहब सेहरी बांटते रहते हैं बनाते रहते हैं, ऐसे ही कुछ नज़ारा रहता है यहाँ का सुबह सुबह। ये देखिए और सेहरी आ गई है और बटना शुरू हो गया आगे की तरफ, लेडीज़ों की तरफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये साइड में है जो कि सुबह सुबह सेहरी दी जा रही है यहाँ पे लेडीज़ों का, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। माशाल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सुबह 3 बजे की रौनक है मेरे सरकार की दरगाह की। देखिए सब रोज़ेदार है जो सुबह सुबह सेहरी के लिए आए हुए दरगाह मुबारक में, हम भी आए हुए हैं सेहरी करने के लिए। काफ़ी वक्त हो चुका था तो हमने सोचा चलिए आज चलते हैं मेरे सरकार की दरगाह और वहीं पर ही आज की सेहरी करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सेहरी कर लिया हम लोगों ने, चारों दोस्तों ने, हम चारों दोस्तों साथ में आए थे जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया। 3 बजे करीब हम घर से निकले थे और अभी 4:30 बज गई, सेहरी भी हमने कर लिया और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रौनक हो रही है सुबह भी। और अभी हम फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, फजर की नमाज़ पढ़कर निकलेंगे हम घर की तरफ। और ये देखिए सुबह के वक्त भी 4:30 का टाइम हो रहा और अभी भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रौनक हो रही है। 3 बजे भी काफ़ी अच्छी रौनक हो रही थी, सेहरी वाले काफ़ी रोज़ेदार आ रहे थे यहाँ पे
माशाल्लाह। और अभी फजर का टाइम होता है, फजर की नमाज पढ़कर हम घर की तरफ निकलेंगे। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ये बड़ी डेग है और ये छोटी डेग है। इधर भी सेरी हो रही थी और अभी देखो सेरी होकर फारिक हुए सब जने। तो फिर सारे जितने भी काम करने वाले हैं यहाँ पे, ये सब सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए माशाल्लाह सबके सब सफाई में लगे हुए, क्योंकि अभी भी सेरी कर सब जने फारिक हुए। और सफाई देखिए कितनी स्पीड में हो रही है। यहाँ सेरी खत्म हुई और यहाँ सफाई शुरू हो गई है, क्योंकि अब मेहमानों का आना शुरू हो गया ज़ियारत के लिए। किसी को परेशानी नहीं हो, उनके पैर में चीज आवे नहीं, अन्न आवे, इसलिए पूरी सफाइयों से धोया जा रहा है इस साइड एरिया को जहाँ पे सेरी करी जा रही थी माशाल्लाह। ये देखिए सुबह सुबह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी सारी पब्लिक की ज़ियारत के लिए अंदर आस्थाना शरीफ की ज़ियारत के लिए लाइन लगाकर खड़ी हुई है। सुभान अल्लाह ख्वाजा गई नवाज की बारगाह में सब ज़ियारत के लिए खड़े हुए कि कब आस्थाना शरीफ खुले और कब ज़ियारत के लिए जावे अंदर। सुभान अल्लाह देख, और सुबह की 5 बजने वाली है लगभग। और सुभान अल्लाह इतना खूबसूरत मंजर और इतना खूबसूरत रौनक हो रही है सुबह सुबह मेरे ख्वाजा गई नवाज सरकार की दरगाह मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह दुआ हो रही है, फजर की दुआ हो रही है। दुआएं खैर हुई है, अभी अभी फजर की आस्थाना शरीफ भी खुल चुका है और अब ज़ियारत के लिए अंदर जा सकते हैं सज्जन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह देखिए मेरे सरकार की दरगाह मुबारक की कितनी अच्छी रौनक, कितनी खूबसूरत रौनक हो रही है। चिड़ियाओं की चहकने की आवाज़ सुनिए, सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत आवाज़ है। सुभान अल्लाह रोज़ा खुलने का टाइम होने वाला, 20 मिनट पड़े, हम लेट हो गए। अगली बार में आया था जब असर की नमाज पढ़ती, बिठा दिया था दस्तरखान पर मार को, पर इस बार ये मेरे भाई लोग हैं, इन्होंने लेट करा दिया। और अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं अपन को दस्तरखान मिलता है नहीं मिलता है। और देखो माशाल्लाह रौनक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी भीड़ हो रही है, तो चलिए अंदर चलते हैं। रोशनी की दुआ हो गई, रोशनी की दुआ होती है 10 मिनट बाद ही, वो चल हो जाएगा रोज़ा खुलने का सिलसिला। ही देखिए सामने दस्तरखान बिछा पूरा, माशाल्लाह कितनी ज़्यादा भीड़ और कितनी ज़्यादा रौनक हो रही है दस्तरखान पे। सुभान अल्लाह तो देखिए इधर भी, ये बड़ी डेग के सामने भी रोज़ा खोला जा रहा है। सुभान अल्लाह, और अभी रोशनी की दुआ हो रही है। ये देखिए सुभान अल्लाह देखिए दस्तरखान की, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़्यादा भीड़ और कितनी ज़्यादा रौनक हो रही है। इधर इश्तियारी बाकी जा रही है प्लेट के साथ में, और ये देखिए माशाल्लाह दरगाह मुबारक के कोने कोने में आपको इश्तियारी बनती हुई दिख जाएगी, बढ़ती हुई दिख जाएगी ख्वाजा गई नवाज की दरगाह मुबारक पर। और ये देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर भी इश्तियारी का सामान बढ़ते हुए पूरा बढ़ रहा सामान आता है। ये देखिए पूरी जगह जगह इश्तियारा का दस्तरखान बिछा हुआ है, रोजेदार बैठा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये शाहजहाँ मस्जिद का है, जैसे हम कल भी यही रोज़ा खोला था हमने, पर आज लेट हो गए, असर की नमाज घर पे पड़ी, चक्कर में लेट हो गए। हम यहाँ पे आना चाहिए था हमें असर की नमाज पढ़ने, पर लेट उठते आप खुद ही देखिए पूरी जगह भर गई रोज़ेदारों के लिए। सुभान अल्लाह देखिए कितने सारे रोज़ेदार हो रहे। सुभान अल्लाह हम भी यहाँ पर होते बैठे हुए अगर टाइम से आते तो, पर क्या करें लेट हो गए थे, ये चक्कर में नहीं है जल्दी आ पाए। तो कल से यही खोला था हमने। सुभान अल्लाह दरगाह मुबारक के कोने कोने में रोज़ा खुल रहा है। सुभान अल्लाह ये रोज़ का मंजर रहता है दरगाह मुबारक में। सुभान अल्लाह हमने भी 1-3 खजूर ले लिया, खजूर लेकर खोलेंगे हम रोज़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें कितने अच्छी रौनक हो रही है। सुभान अल्लाह पूरे चारों तरफ रोज़ेदार ही रोज़ेदार बैठे हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह चारों तरफ इफ्तारी हो रही है। मेरे सरकार की दरगाह मुबारक पर चारों तरफ इफ्तारी हो रही है। सुभान अल्लाह6:50 का 3 मिनट है। सुभान अल्लाह
तेरी को ले सारे रोजेदार होना माशाल्लाह सुभानअल्लाह कितना अच्छा रौनक है, कितना अच्छा मंजर है, कितना खूबसूरत मंजर है मेरे सरकार की दरगाह का। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ये हम आने में लेट हो गए थे पर ऐसा कुछ हमारे साथ तो वाकई एक खुदाम साहब ने हमें देख लिया, देखते उन्होंने कहा कि आपके पास प्लेट नहीं है क्या? हमने कहा नहीं भाईजान पर पिन खजूर है। उन्होंने हमारे को प्लेट दिलाई और यहाँ पे बिठाया शाहजहाँ मस्जिद में माशाल्लाह, और यहीं पर हमने रोज़ा खोला। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ये मेरे सरकार है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे सरकार किसी को भी बिना रोज़ा खोले नहीं जाने देते, वैसे आज हमारे साथ वाक्य हुआ। हमने सोचा था बस पिन खजूर से हम खोलकर काम चला लेंगे, पर ख्वाजा खुद्दाम ने हमसे मिलकर मुलाकात करी और उन्होंने हमें यहाँ पे बिठाया। माशाल्लाह कितना अच्छा मंजर, कितनी अच्छी रौनक हो रही है। सुभानअल्लाह। अभी अजान हो रही है मगरिब की, अभी थोड़ी देर में जमात होगी, फिर हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में घर की तरफ निकलेंगे। सुभानअल्लाह देखिए कितनी अच्छी रौनक हो रही है दरगाह मुबारक में। सुभानअल्लाह देखिए कितने सारे रोज़ेदार हैं जो रोज़ा खोलकर नमाज के लिए निकल रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और जमात में शरीक होने के लिए जा रहे हैं। सुभानअल्लाह। मगरिब की नमाज़ पढ़ ली हमने, मगरिब की नमाज़ पढ़ के जस्ट अभी अभी फारिग हुआ। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़्यादा रौनक है और कितनी ज़्यादा जमात हो रही थी मगरिब की नमाज़ में। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सारे नमाज वाले और रोज़ेदार थे नमाज इसके अंदर मगरिब की नमाज़ में। सुभानअल्लाह। अरे लंगर बट रहा है, हाँ लंगर बट रहा है। सुभानअल्लाह लंगर बटना स्टार्ट हो गया। सुभानअल्लाह बहुत प्यारी रौनक हो रही है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। यहाँ पे लंगर बट रहा है जो कि मैंने आपको बताया। देखिए कितनी भीड़ हो रही है, कितनी लाइन लग रही है ख्वाजा गई नमाज का लंगर लेने के लिए, और हमें भी मिल गया है तबर्रुक। माशाल्लाह नसीब है मुबारक था हमारा, ये देखिए तबर्रुक मिल गया हमारे को भी। सुभानअल्लाह नसीब है हमारा जो मिल गया। और अभी भीड़ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। सुभानअल्लाह रौनक तो काफ़ी खूबसूरत है। अभी घर चलते हैं, घर चलकर आपसे मुलाकात करते हैं। तो गाइस घर पे आ चुके हैं हम और माशाल्लाह पूरा रोज़ा बहुत ही प्यारा निकला, बहुत ही खूबसूरत निकला। बस ये 3 बजे से लेकर 4 बजे तक के थोड़ा हल्का फुल्का सा थोड़ा परेशानी हो चुकी थी, क्योंकि हल्का फुल्का पेट भी दुखने लग गया था और सर भी दुखने लग गया था। फिर उसके बाद में असर के बाद में मेरे दोस्त का फोन आया, बोले अपन दरगाह चलते हैं इफ्तारी करने के लिए। तो हम दरगाह गए, वहाँ का माहौल मैंने आपको बताया, माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा रौनक हो रही थी। और आते समय लंगर भी लाया हम घर के लिए और साथ ही साथ में डेग का खाना भी लाया मैं। तो अब घर पर आ चुके, अब तरावी पढ़ने के लिए जाएंगे और फारिग होंगे हर चीज से, और फिर सुबह की सेहरी का तैयारी करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा और अल्लाह हाफिज़ गाइस। और दुआ में जरूर याद रखना और आपके भाई को सपोर्ट बनाए जरूर रखना।